और इसके अलावा जम्मू में पीरखो से महामाया के बीच रोपवे सेवा की शुरुआत के साथ ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए एक और अनुपम सौगात मिल गई है। महामाया और बवे वाली माता मंदिर को रोपवे के जरिए अब पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। इससे पहले रोपवे का काम महामाया और बवे वाली माता मंदिर के बीच में ही पूरा किया गया था। आसमान में रोमांच का एहसास करने वालों के लिए जम्मू में एक नई सौगात तैयार हो चुकी है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से धरती की बेपनाह खूबसूरती को देखने का मौका देगी। पहाड़ों की ऊंचाई को छूने का एहसास कराएगी। कुदरत की गोद में बसे खूबसूरत शहर जम्मू में पीरखो से महामाया के बीच रोपवे की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर के शहर के नाम से मशहूर जम्मू में आस्था के साथ रोमांच का मेल कराने वाले रोपवे की शुरुआत से पर्यटकों में खुशी का माहौल दिख रहा है। अब जम्मू आने वाले पर्यटकों को आसमान की ऊंचाइयों में सैर करने का मौका मिलेगा। मंदिरों के शहर जम्मू को नई सौगात मिली है और जम्मू के तीन ऐतिहासिक मंदिर मोहमाया मंदिर, पीरखो मंदिर और बावे वाली माता का जो मंदिर है उनको यहाँ पर रोपवे के जरिए जोड़ दिया गया है। और ये जो आप रोपवे देख रहे हैं यही इन तीनों मंदिरों को यहाँ पर कनेक्ट करता है। ये तीनों मंदिर अलग अलग जगह पर यहाँ पर हैं और एक मंदिर आप जो ये रोपवे देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ है। और ये जो मंदिर है ये तवी नदी पार करके दूसरी साइड पे यहाँ पर पीरखो का मंदिर पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोपवे को अब पीरखो मंदिर और मोहमाया मंदिर के बीच में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। LG मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पीरखो महामाया रोपवे का औपचारिक उद्घाटन कर प्रदेश को एक अनोखी सौगात। बदली हुई संस्कृति आपको इसमें दिखाई पड़ेगी कि लंबे समय से जो काम पूरे नहीं हो रहे थे वो अब पूरे होने लगे हैं। और उसी में का एक काम ये भी है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित था जम्मू के लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से है इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यटन जम्मू क्षेत्र में बढ़े इसके लिए एक ठोस योजना भी हम लोगों ने बनाई है जिसके परिणाम आगे दिखेंगे। जम्मू के ऐतिहासिक मंदिर पीरखो महामाया और बावे वाली माता मंदिर को रोपवे के जरिए अब पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। और आने वाले दिनों में तीन प्रमुख मंदिरों महामाया, पीरखो और बाहु मंदिर के बीच में भी रोपवे सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले रोपवे का काम महामाया और बावे वाली माता मंदिर के बीच में ही पूरा किया गया था। जम्मू में तीन ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ने वाला रोपवे का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और अब लोग जो हैं खासतौर पर जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो जम्मू पहुंच सकते हैं और यहां पर रोपवे के जरिए मोहमाया मंदिर, पीरखो मंदिर और साथ ही बावे वाली माता का जो मंदिर है वहां पर जाके सीधा रोपवे के जरिए दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी समय से लोगों को इसका इंतज़ार था। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी हैं जो इंचार्ज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। राकेश जी, क्योंकि पहला छोटा स्टेच पूरा हो गया था, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब क्या लगता है कितने दिनों से आप लोगों को भी इंतजार था ये पूरा? मैं बिल्कुल सब लोगों को, जम्मू वासियों को ये था बड़ा बहुत देर से ठीक है। ये जो हमारा रोपवे प्रोजेक्ट है जो कि बूस्ट करने जा रहा है यहाँ पे हमारे टूरिज्म को, पर्यटक को, तो होपफुली अब हम भी चाहते हैं, हमें भी ये बड़ा है कि जल्द से यहाँ पे जो आने वाले दिनों में जो पर्यटक का रश है जो या माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु आते हैं जम्मू देखने के लिए या टेम्पल्स देखने के लिए वो यहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों टेम्पल जो हमारे प्राचीनतम मंदिर है यहाँ पे, पीरखो मंदिर है, बहु बायोवाली माता है या वो मोहमाया मंदिर है, ये तीनों मंदिर को कनेक्ट करता है। उससे यहाँ पे हमारा जो जो यात्रियों का आना जाना उनको वो फैसिलिटेट भी कर सकते हैं और उनको यहाँ पे एक अच्छी खासी टूरिस्ट प्लेस भी मिलेगी घूमने के लिए। पीरखो से महामाया के बीच में रोपवे की शुरुआत हो जाने से अब देश भर के पर्यटक खास तौर पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु पीरखो महामाया और बाबा वाली माता मंदिर के दर्शन चंद मिनट में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो रनवे अभी लॉन्च हुआ है, रोपवे लॉन्च हुआ है, इसके थ्रू टूरिज्म पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जम्मू की हमारी ग्रोथ काफ़ी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी जिससे कि जम्मू को बहुत फ़ायदा हो सकता है, टूरिज्म इफेक्ट करेगा। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और मैं भी अभी जाऊंगी, आई टेक अ राइड टू। जम्मू में माता वैष्णो देवी के अलावा कई प्रमुख मंदिर हैं जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं।
1.18 किलोमीटर लंबा पीरखो महामाया रोपवे सूर्यपुत्री तवी नदी के ऊपर मौजूद है। पीरखो महामाया रोपवे के नए हिस्से को 7 टॉवर पर तैयार किया गया है, जिसमें 14 केबिन लगाए गए हैं। हर केबिन में 6 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। रोपवे की क्षमता 1 घंटे में 400 लोगों को सफर करवाने की है। तो इसमें हमारे 14 कैबिन्स है जो कि स्विट्जरलैंड से है, इम्पोर्टेड कैबिन्स है। तो क्या हमारे एक कैबिन की कैपेसिटी है 6 पैसेंजर्स, और टोटल जो 1 आवर में हम कम मैक्सिमम 400 पीपल्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ला सकते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट में हमारे जो मेन क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जो चाहे ब्रेक्स है इसकी, रोप है इसकी, कैबिन्स है, ग्रिप्स है, ये सारे इम्पोर्टेड है। रोपवे करीब 86 मीटर की ऊंचाई पर चलता है, जिससे रोपवे में सफर करने वाले टूरिस्ट को एक तरह से उड़न खटोले में सफर करने का एहसास होता है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू में बनाया जा रहा रोपवे अब पूरा हो गया है, और अब देश भर के लोग, खास तौर पर जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, वो अब जम्मू में पहुंचकर यहाँ पे जो रोपवे है उसका आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। इस समय आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेच है, ये महामाया से पीरखो के बीच का है, और तवी नदी जो जम्मू में पड़ती है उसके ऊपर से होते हुए हम लोग यहाँ पर जो महामाया टेम्पल है उसकी ओर यहाँ पर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो कैबिन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, करीब 20 कैबिन जो हैं ये पूरे स्ट्रेच में इस समय लगाए गए हैं। और ये जो पिलर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 7 पिलर्स पे ये पूरा का पूरा जो रोपवे है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, और करीब 75 करोड़ रुपए जो है वो इस रोपवे को बनाने में यहाँ पर खर्च हुआ है। लगातार सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो यहाँ पर हो। ऐसे में ये परियोजना जो थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोगों को इंतज़ार था कि ये परियोजना यहाँ पर पूरी हो जाए। ऐसे में अब ये परियोजना जो है वो पूरी हो गई है। कितनी खुशी हो रही है, रोपवे बन गया। अब आपको लगता है कि स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन खास तौर पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आके यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, माता वैष्णो देवी जिसने जाना होगा पहले पीरखो से होते हुए जाएगा और इस ट्रॉली का मतलब रोपवे का आनंद लेगा। और मतलब इतना अच्छा लगा, इसमें 3 जगह पे इंक्लूडिंग है, एक बागे बहू है, बागे बहू नहीं बाहुबली माता है, बावे वाली माता जिसको हम बोलते हैं, और मोमाया माता है, और ये पीरखो का बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर है जिसको लोग बड़ा आकर्षण का करते हैं, और यही बड़ा आनंद आता है। मैडम आपको कितनी खुशी हो रही है, पहले आप बता रहे थे कि गुलमर्ग भी गई, आप हर जगह गई, आपने अपने घर में ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। हम गुलमर्ग गए थे तो उधर तो दूर जाना पड़ता है, वो भी तो उसकी भी तो बहुत ब्यूटी है। अब जम्मू सिटी में भी बहुत ब्यूटी होगी, या हमें ये गंडोला जम्मू में भी हो गया है तो कितना मजा आ रहा है, इतना आनंद है, बहुत अच्छा लगा। तभी नदी के ऊपर से ही जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पीरखो महामाया रोपवे की सवारी के लिए लोगों में रोमांच भी दिखने लगा है। इस रोपवे से तवी नदी, पुराना शहर समेत कई प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं, जो रोमांच को एक अलग लेवल पर ले जाता है। खूबसूरत जो हमारा यहाँ तवी दरिया है, तवी रिवर है, उसके अक्रॉस ये गंडोला जाता है, जहाँ से यू हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी, यू हैव द ओल्ड सिटी, उसके अलावा मुबारक मंडी, देन यू हैव सिद्रा गोल्फ कोर्स ऑन द अदर साइड, और ये टेम्पल जो है, ये जो हमारे गंडोला है, ये हमारे जो 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, टेम्पल्स हैं, उनके जो है उनकी छत्रछाया में यहाँ पे ये गंडोला बना है, जो हमारा बाहू है, उसके बाद महामाया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत हमारे रिलीजियस सर्किट को भी बहुत बेनिफिट करेगा, और टूरिज्म के लिए इट विल बी अ ग्रेट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन की ओर से स्थानीय लोगों के लिए पहले दिन कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर निशुल्क रोपवे चलाया गया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मचाएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।